हाय, तुम भी न्यू एडमिशन हो क्या? हाँ। वैसे कहाँ से हो तुम बेटा? जौनपुर अंकल। नाम क्या है तुम्हारा? समर। और ये पोस्टर किस चीज का है? ये LGBTQ क्या होता है ये सब? मुझे नहीं पता अंकल। अरे छोड़ो ना पापा, ये सब कुछ नहीं है। देख रही हो, एक यही है जो सबसे अलग झलक रहा है बाकी बच्चों से अलग। मतलब एक वो लड़का देखू समर, और एक तुझे देख। ये सब यहां भी पहन के आना जरूरी था क्या? कान में ये सब क्या है? तू नॉर्मल लोगों जैसा नहीं रह सकता। क्योंकि मैं अलग हूं इन सब से, अब इसमें मैं क्या करूं यार? पापा हमेशा मेरे इतने अगेंस्ट में क्यों रहते हो? एटलीस्ट आप तो मुझे सपोर्ट करो। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो बाकी दुनिया क्या घंटा करेगी? एक बच्चे की असली लड़ाई बाहर की दुनिया वालों से होनी चाहिए, ना कि अपने घर वालों से। हाँ ठीक है छोड़, वैसे भी तू करेगा तो अपने मन की। एक्सक्यूज मी, तुमको पता है क्या रूम नंबर 614 किधर है? ये लिख रखा है, अंधा है क्या? पूछना जरूरी है क्या? चला जा उधर। करण गए क्या घर वाले? हाँ बस अभी छोड़ के आया हूँ। पहली बार है क्या हॉस्टल में? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुंह से दिख रहा है, सड़ा सड़ा सा हो रहा है। क्या सीन है नेल पेंट का? बस ऐसे ही। क्या यार, पहली बार देखा तेरे जैसा कोई? बस ये सब मुझे पसंद है। अरे धनो देख रहा है क्या क्या शौक है लोगों के? अरे कोई परेशानी हो तो बता दे, फिरोज भाई के पास इन सबका इलाज है। अरे ये देखो रे, आगे क्लास का बच्चा, यहाँ के माहौल में रंग भरने। ये वही हॉस्टल वाला लड़का है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? हाँ यही है, आज आता ही कहता ऐसा। जाओ जाओ भाई, यहाँ तो मत ही आना तुम। ये कंसर्न होने वाली एक्टिंग मत करो, अगर तुम्हें भी कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं मैं मजाक नहीं उड़ाने वाला, मैं सच्ची पूछ रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो? नहीं, तुम्हें लग रहा है क्या कि मैं सही हूँ जब वो सब मेरा मजाक बना रहे थे? इट्स ओके, उनको इतना माइंड मत करा करो। ओके विल ट्राई। अकेले में क्या सोच रहे हो? कूदने का तो नहीं सोच रहे? नहीं कुछ खास नहीं, और खास कूद पाता। वैसे रोज अकेले ही आते हो रोज यहाँ? हाँ मेरी कोई खास बनती नहीं यहाँ किसी से, और सब बहुत अलग है यहाँ। वैसे एक बात बताओ, जब उस दिन सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे तब तुम क्यों नहीं हंसे? मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम जैसे हो एटलीस्ट वैसे दुनिया को दिखा तो पाते हो। मैं तो लोगों के डर से वो भी नहीं कर पाता। करण
तुम शांत हो जाओ प्लीज। यार कब तक, क्यों कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेता? करण पहले तुम शांत हो जाओ। क्यों, वैसे भी अगर मैं कूद भी गया तो किसी को तो फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को फर्क नहीं पड़े, क्या पता तुम्हारे कूदने से कोई अकेला फील करने लग जाए। पहले तुम शांत हो जाओ। तुमको पड़ेगा फर्क अगर मैं कल को नहीं रहूं तो? हाँ शायद, नहीं मुझे नहीं पता। समझ, तुम भी मेरी तरह हो, तुम क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते? करण मेरे साथ ये सब शुरू मत करो, मैं यहाँ बस तुम्हें समझाने आया था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी तरह हूँ या नहीं, मैं एज अ फ्रेंड बस यहाँ तुम्हें समझाने आया था, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो समझ आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। ये वही लड़का है ना जिसके बारे में सुबह तुम बता रही थी? हाँ यही है वो। वैसे क्यों उड़ा रहे थे मजाक तुम इसका? इसको देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ कुछ अलग अलग सा तो लग रहा है। हाय सॉरी, मैं हेडफोन्स में आके घूम रहा था तो देखा नहीं। हाँ ठीक है, वैसे भी नो वन केयर्स। ओके, वैसे क्या लिख रहे थे इस डायरी में? बस यूं ही पर्सनल स्टफ। ओह पर्सनल स्टफ, तुम्हारे पर्सनल स्टफ के बारे में सबको पता है। नहीं नहीं। अरे चुप। And then he looked at me when everyone laughed, he did not. That when I started falling for him. Wow, imaginary BF in college. या सच्ची में यहाँ भी कोई अपने जैसा ही नमूना ढूंढ लिया है? हाँ वैसे सोच ले, फिरोज को इसके बारे में पता चलेगा तो तेरा क्या होगा, तू जानता ही है ना उसे। मैंने तुम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा तुम लोग मेरे को लेकर के थोड़े सपोर्टिव होगे। गुड इवनिंग बॉस। अरे बैठो बैठो, क्या हुआ, परेशान क्यों इतने, कोई बात हुई क्या? नहीं बॉस ऐसा तो कुछ नहीं। आज का देख के नहीं पूछ रहा मैं, अलग अलग से रहते हो और जब भी किसी के साथ रहते हो तो वो तुमसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे होते। नहीं बॉस, मेरे बैच वालों को जैसा मैं हूँ वैसा मैं सुहाता नहीं हूँ। हाँ वो मुझे सुनाई में आया था, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम जैसे भी हो अपने आप में परफेक्ट हो। लोगों का काम होता है तुम्हें जज करना, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती है नहीं कि तुम अलग हो, समझ रहे हो ना तुम? हाँ बॉस। और यार तुम अलग नहीं हो यार, हो तो तुम भी इंसान ही मेरे और सबके जैसे, तो टेंशन मत लो और कोई परेशान करे तो मुझे आके बताना, ठीक है? चल ओके बॉस, थैंक यू। बोल बोल क्या है? वही करण है, हैं निकल निकल निकल। तुम्हें पता है आजकल हॉस्टल में क्या चल रहा है? नहीं तो
अरे करण और समर चिपके जा रहे हैं। चल इस समर को तो आज मैं दिखाता हूँ। गेट खोल समर, खोल गेट समर। Why is it that this culture refuses to accept us? Why do they believe that people of different sexual orientation do not deserve to live? Why do we have to keep our heads down in dread of you? I was hesitant to be myself at first, but once I did, I had to deal with the consequences. I ended up hurting the person who cared most about me, loved me the most. I fought again and again with him, tried to blame him for all this, but deep inside, I too knew that he is not to blame. To numb the suffering, I eventually turned to self-harm and drug misuse, because in the end all I felt was that I was wrong for being like this, for being different. But now I realize that I was not. It's the homophobic society that makes you feel like that. Because of our differences, we are frequently ridiculed and criticized, and we are the victims. Our community is more likely to face intolerance, discrimination, harassment, and the threat of violence because of our sexual orientation than heterosexual people. Homophobia is to blame for all this. Because of all this, we are more prone to depression and negative thoughts, and we will continue to feel these negative emotions throughout our lives as a result of the trauma and rejection we have experienced.